वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आज की वीडियो में मैं अपने एक खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि अभी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है और जून जुलाई तक ऐसे आपके गार्डन को फूलों से भरा रखता है। तो वो प्लांट है ये क्रोसेंड्रा, जिसे कि अबोली फ्लावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये जो फ्लावर प्लांट है, इसमें खुशबू नहीं होती है। और ये तीन टाइप के आते हैं, एक रेड कलर के और एक येलो कलर के, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर वाले हैं ये थोड़े कॉमन हैं, ये आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं। ये प्लांट का प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आप 30 से 40 रुपए में इसे नर्सरी में पा सकते हैं। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप स्प्रिंग के टाइम में इसकी रिपोर्टिंग कर दें फिर से। और इसके लिए जो भी प्लांटर आप चूज करेंगे, वो प्लांटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़ा नहीं होता है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरे जो फ्लावर प्लांट में इतने सुंदर से फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सभी फ्लावर प्लांट में आपको वेलड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए, और ये फ्लावर प्लांट गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। इसके लिए आपको इसकी मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए हमेशा, आपको हो सके तो दो बार भी वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी मिट्टी आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, और कोई भी कंपोस्ट 25% और सैंड, ये तीन चीज़ मिलाकर आप मिट्टी बनाइए। ये जो फ्लावर प्लांट है, इसके लिए मैंने यही मिट्टी बनाकर इसमें डाला है। जैसा कि देख रहे हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करता है, तो ये हेवी फीडर भी होगा। तो इसके लिए आप इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आप ऑर्गेनिक रूप में भी दे सकते हैं, केमिकल के रूप में भी दे सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है काफ़ी सुंदर होती है, बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, तो इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है, फ्लावर्स भी बहुत सुंदर होते हैं। आपको इसमें या तो आप बोन मील डालिए, या फिर आप NPK 19-19-19 बैलेंस फर्टिलाइज़र जो होता है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो बारिश का टाइम है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अवॉइड करें। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए कि मैं इसमें क्या डालूं, तो आप सी वीड ग्रैन्यूल्स अच्छी मात्रा में इसमें देते रहें, और हर 15 दिन में 10 से 12 दाने आप दे सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, मैं दिखाती हूँ इसे, ये देखिए 20 दिन पर इसमें, जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, जैसा कि मॉनसून का टाइम है, बारिश होती ही रहती है और इस फ्लावर प्लांट में आपको पानी चाहिए ही चाहिए, तो दो बार करके वाटरिंग करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर का है, ये सीवीड ग्रैन्यूल्स है, आप उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। और ये फ्लावर प्लांट की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी सी लोकेशन आपको चूज़ करनी होगी, जहाँ की 3-4 घंटे की बहुत तेज़ धूप इसमें लग जाए और उसके बाद छाया हो जाए। इसमें वाइट मिलीबग बहुत ज़्यादा लगता है, ये देखिए वाइट मिलीबग इसमें बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। या तो आप इसे पानी से स्प्रे करके हटा दीजिए, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, और घर में भी बने हुए फंजीसाइड का उपयोग इसमें कर सकते हैं। ये जब फ्लावर इसमें ख़त्म हो जाएंगे तो ये सीड इसमें सीड बन जाएंगे। इसको पूरी तरह से सूखने दीजिए, जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तो आप इसे कट कर लीजिए, और इसमें सीड होते हैं, आप उस सीड से भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसे आपको कट करते रहना पड़ेगा, तभी इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। और जब देखेंगे कि आप इसका सीज़न जाने लगा है, तो आप इसमें 2-4 सीड पॉट छोड़ दीजिए। जैसे ये देखिए, ये तो फ्लावर ऐसे ही एक इसका साइज कुछ बड़ा होगा, उसके बाद उसमें इस टाइप से फ्लावर्स आएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह। तो इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। प्लांट मेरा छोटा है, इसलिए मैंने एक किस टाइप की कटिंग लेनी है उसके लिए मैंने विंका को चूज़ किया है, ये देखिए इस टाइप की सेमी वुड कटिंग लेनी है इसके लिए, ये देखिए।
कटिंग से बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं। तो इस टाइप की आपको कटिंग लेनी है और फंजीसाइड आप जरूर लगाइए, ग्रो हो ही जाएगी 100%। तो आप कोई भी रूटिंग हार्मोन ले लीजिए, एलोवेरा ले सकते हैं। आपको इस टाइप से एक मोटी डंडी लेनी है और उसको आपको थोड़ी सी आप इसके ऊपर के स्किन को हटा दीजिए इस तरह से। तो आप एलोवेरा में डिप कर लीजिए और ये सिंपल सा गार्डन सॉइल है। इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। कोसेंड्रा की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इसके जब फ्लावर्स स्पेंड हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे ये है, तो आपको इसको कट कर देना है। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। कोसेंड्रा में अधिक फ्लावरिंग लाने का राज भी वही है, आप इसके स्पेंड फ्लावर के जो पॉड होते हैं उसे आप कट करके निकाल दीजिए तो बहुत अच्छे तरह से ये बहुत गुच्छों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर्स स्टार्ट ही होते हैं इस टाइप के, एक स्टिक निकलती है गेहूं की बाली टाइप की और इसमें ही फ्लावर्स आते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो कोसेंड्रा के ऊपर में, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, आप भी इसे गार्डन में लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करता है। विंका के टाइप में इसके सीड इसमें ही गिर जाते हैं और उसके बाद छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं, आप वहां से भी लेकर इसे लगा सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।